हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही का ही यूज प्रोग्राम में वैल्यू स्टोर करने के लिए करते हैं। वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू प्रोग्राम के दौरान लगातार चेंज होती रहती है, पर कांस्टेंट के साथ ऐसा नहीं होता है। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा स्थिर और कांस्टेंट रहती है। तो आइए हम इसे कुछ एग्जांपल से आपको बताते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप है इंट, इसकी वैल्यू है 10। तो हम कांस्टेंट को देखते हैं। कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट और करेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कांस्टेंट में रियल और इंटीजर होते हैं। रियल में पॉइंट में वैल्यू आती है, दशमलव वाली वैल्यू। तो 0.1, 0.2, 1.5 ये सब वैल्यू आती हैं रियल में, और इंटीजर में आती है 0 से लेके 9 के अंदर तक वैल्यू। अब हम देखते हैं करेक्टर कांस्टेंट को। करेक्टर कांस्टेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंगल करेक्टर और स्ट्रिंग करेक्टर। जो सिंगल करेक्टर होते हैं उसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इसमें सिर्फ सिंगल करेक्टर आता है। पर जो स्ट्रिंग होता है उसमें करेक्टर का ग्रुप होता है, जैसे न्यू है, ओल्ड, फ्रेंड, फ्रेंडशिप। तो कांस्टेंट करेक्टर में हमेशा स्ट्रिंग में ग्रुप आता है करेक्टर्स का। तो हम यहाँ पर एग्जांपल्स के द्वारा आपको बताते हैं। इंटीजर की वैल्यू इस तरह से होती है, और इसमें 1, 2, 4, 124, 153, 210 ये इंटीजर वैल्यू है। इसके अंदर जो रियल वैल्यू आती है वो आती है 10.5, 12.6, 2.5 ये रियल वैल्यू आती है। अब हम इंटीजर के अंदर वैल्यू देख लेते हैं। डेसिमल वैल्यू जो 0 से स्टार्ट होती है और 9 तक जाती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू हो सकती है डेसिमल के अंदर। ऑक्टल के अंदर अगर हमें किसी भी वैल्यू को लिखना है, जैसे हमें इसके अंदर वैल्यू लिखनी है, अगर ऑक्टल के अंदर हमें वैल्यू लिखनी है, ऑक्टल के अंदर अगर हमें वैल्यू 13 लिखना है, तो सबसे पहले इसमें आएगा 0, उसके बाद आएगा 13 लिखना है, तो 1 और 3। ऑक्टल में 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है। अगर हमें इसके अंदर और भी वैल्यू को लिखना है, तो इसी तरह से हम इसके अंदर वैल्यू लिख सकते हैं। 56 लिखना है तो 0, 56। और अगर डेसिमल के अंदर हमें वैल्यू को लिखना है, तो इसके अंदर हमें 0 नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा 56 हम इसके अंदर वैल्यू को लिख सकते हैं। तो डेसिमल और ऑक्टल में, अगर हेक्साडेसिमल में वैल्यू लिखना है, तो 0 से 9 इसके अंदर ए से एफ, स्मॉल ए से कैपिटल एफ आ सकते हैं वैल्यू। अगर हमें इसके अंदर वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? तो 0x2f इस तरह से हम इसके अंदर वैल्यू, अगर हमें कुछ भी लिखना है तो x इक्वल हमें वैल्यू को लिखना है 0a9 2। इसमें हम इस तरह से वैल्यू को लिखते हैं हेक्साडेसिमल में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।